नमस्कार जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, विकास खंड मरियागंज के ग्राम पंचायत बयारा गांव में ना सड़क ना नाली आवास शौचालय का काम नहीं किया गया। वहीं वर्तमान प्रधान जगदेव जी द्वारा क्या काम किया गया, आइए जानते हैं ग्रामीणों की जवानी श्रीकांत पांडे की रिपोर्ट में। क्या आपका ज्ञानदास है? ज्ञानदास जी बताएं कि आपका जो है अभी आवास इतना आ रहा है, वो आपका घर नहीं बना अब तक। हाँ सर, तो पिछला प्रधान था उसकी लापरवाही के वजह सर आया हुआ आवास काट दिया और दूसरे को दे दिया जी। हाँ, और हम परेशान, हमारे बच्चे परेशान सर। वर्तमान प्रधान, वर्तमान प्रधान में जगदेव प्रधान जो वर्तमान में है, अब उनसे हमारा पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमको मिलेगा आवास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है आपका? राम निहाल। निहाल भाई बताएं, प्रधान जी के काम से तो संतुष्ट होंगे? बहुत संतुष्ट है सर, बड़ा विकास हो रहा है बयारा का। 50 वर्षों बाद ऐसा विकास हुआ, जब से देश आजाद हुआ है जी, हमारा जी, तब से इस मोहल्ले में सीसी और नाली का काम जी सर्वप्रथम किया जा रहा है जी। आज तक ऐसी विकास किसी भी प्रधान द्वारा नहीं किया गया जी। तो गली गली नाली सड़क हम तो देखे हैं भाई, पूरे जो है पूरा मोहल्ला का काम हो रहा है, सीसी रोड और नाली दोनों का। आप लोग संतुष्ट हैं? चार जगह कहाँ, बहुत संतुष्ट पूर्ण रूप से। चार जगह सीसी रोड बन रहा है जी। और क्या कहना चाहेंगे मीडिया माध्यम से? और यही कहना चाहेंगे मीडिया माध्यम से कि सरकार ध्यान दे जी कि कहाँ काम नहीं हो रहा है जी, और प्रधान द्वारा उसको कराया जाए जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। प्रधान जी बताए शासन प्रशासन के बारे में कुछ। शासन प्रशासन जब से प्रदेश में हमारे पूज्य योगी जी की सरकार बनी है जी, तब से गुंडा माफियाओं का अंत हो रहा है जी, और गुंडागर्दी पूरी तरीके से समाप्त है जी। अराजकता का जो माहौल था, भय व्याप्त था, लोग डर के माहौल में जीते थे जी, वो सब समाप्त है। सरकार का कार्य बेहद सराहनीय है जी, और हमारे विधायक जी देखिए, काफ़ी जमीन जो भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था वो सब खाली करवा दिए, विधायक जी द्वारा बहुत बेहतर काज किया जा रहा है। शासन इस समय सख्त है और गुंडा माफियाओं का राज का अंत। पुजारी जी को आपके गांव में जो कुछ आता था ये दुष्टों ने मारा, इस विषय पे क्या कहना है? वो तो बहुत घृणित कार्य है। पुजारी एक गरीब व्यक्ति है और मंदिर के साफ सफाई में विशेष योगदान है उनका जी, और वो इतना मेहनत यहाँ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इतना साफ सफाई कर रहे हैं, और इनको जिन व्यक्तियों ने मारा बहुत ही घृणित कार्य है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कहेंगे? और हम यही कहेंगे कि इस मंदिर पे दोबारा ऐसा कोई कांड ना हो, ऐसा कोई काम ना हो कि कोई पुजारी यहाँ से चले जाए, दोबारा साफ सफाई ना हो, यही हम चाहेंगे।